दोस्तों, मैं अनिल IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक जो है हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। अपवाह तंत्र यानी तो बोले तो हम लोग जो है नदियों के बारे में, हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, झील, नदियों की अर्थव्यवस्था, नदियों पर कैसे डिपेंड, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पाँच पार्टों में उसको अच्छे से डिस्कस किया था और पाँच पार्टों को अच्छे से जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, है ना। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों? चैप्टर 4 को जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम हमारे क्या है? जलवायु। हमारे चैप्टर 4 का क्या नाम है दोस्तों? हमारे चैप्टर 4 का नाम है जलवायु। तो हम लोग जो है अभी जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जलवायु के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है कि मतलब जैसे हर वीडियो की भांति हम लोग ये भी वीडियो अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स कैसे बनाना, प्रश्न कैसे बनेगा, ये सभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जलवायु किस तरह से है, कहाँ की शुष्क जलवायु हो, कहाँ की नम जलवायु, कहाँ की गर्म जलवायु, इन सभी बारों में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास को हम लोग बिना देरी से शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे पड़ोस, हमारे देश, स्थलाकृत एवं अपवाह, मतलब इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक है 3 मूलभूत, जो 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व को ये ही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात कि हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें जो है हम लोग वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो है 3 मूल तत्व होते हैं, जिसमें से 2 तत्वों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा तत्व जो है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं सुविधाजनक क्यों होता है, तथा जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस जलवायु के अध्ययन में जान सकेंगे। मतलब कि हम जो है ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, मतलब दिसंबर के महीने के बाद हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, और मई लगता अप्रैल लगते ही हम लोग अप्रैल मई में लगभग गर्म, मतलब कि जो है वो होता नहीं, पापा लोग जो हैं कभी कभी बनियान भी नहीं पहनते, बिना बनियान के घूमते रहते हैं, तो गर्मियों के महीने में तो ऐसे होता नहीं। तो इस तरह से जो है मतलब मई जून के महीने में हम लोग मतलब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मतलब हल्के कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से ऐसा क्यों होता है और जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आप इस अध्याय में हम लोग जो है जान सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, मतलब 30 वर्ष से अधिक, लंबे समयावधि मतलब बोले तो 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मतलब कि एक विशाल लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं में विविधता का कुल योग जलवायु है, ठीक है। मौसम एक विशेष समय में एक जलवायु के वायुमंडल अवस्था को बताता है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, नोट्स में नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ठीक है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं, ठीक है। मतलब कि जलवायु के तत्व जो हैं तापमान वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये सब एक ही हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती। अब लाइक आप बरसात के प्रेजेंट टाइम में बरसात का सीजन चल रहा है ना, तो बरसात के सीजन में आप देख सकते हो कि अभी क्या है, मतलब कि पहले वर्षा होती है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद धूप हो जाती है, फिर क्या हुआ अचानक से, फिर वर्षा शुरू हो गई शाम तक में। तो ये जो है मौसम की मतलब बदलता रहता है ना, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, कुछ महीने तथा वायुमंडलीय अवस्थाएँ लगभग एक समान सी बनी रहती हैं। जैसे कि बरसात का सीजन आ गया तो वायुमंडलीय अवस्थाएँ जो एक समान सी बनी रहेंगी, जैसे कि बरसात का सीजन है पानी तो बरसेगा चाहे जो हो जाए, ठंडी की सीजन है ठंडी पड़ेगी ही पड़ेगी, गर्मी का सीजन है तो गर्मी पड़ेगी ही पड़ेगी,
इस प्रकार जो है मतलब वो बनती ही रहती है। ठीक है, जैसे दिन गर्म तथा ठंडे हवादार और तथा शांत आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजन किया जाता है। मतलब कि जो है गर्मी या ठंडी के मौसम में मतलब मौसम बदलता ही रहता है, आसमान बादलों से घिरा रहते हैं। जब बादलों से घिरे रहते हैं तो आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। देखिए ना यहाँ पे दिया है मौसम बादलों से घिरे होते हैं तब आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों की औसत मंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। मतलब कि जो है वर्ष जो मौसम को है महीनों की औसत मंडलीय अवस्था के आधार पर, ये याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए पॉइंट को, महीनों के औसत मंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व को जो है अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा मतलब अगर आपको पता हो कि भारत की जलवायु कैसी है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब दिया हुआ है आगे, क्या आप जानते हैं, देखिए रोचक एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति मतलब व्युत्पत्ति अरबी शब्द के मौसमी से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। मतलब कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वह अरबी शब्द के मौसम से हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मतलब मौसम का अर्थ क्या है, मौसम का अर्थ है एक वर्ष में वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मौसम है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना नोट्स में, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न बन जाएंगे इससे भी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारत की जलवायु मतलब भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है, तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, भारत की कैसी जलवायु है, भारत की जलवायु मानसूनी है, याद रखिएगा नोट्स में नोट कर लो, भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है। परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे ऐसे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको शुष्क ग्री मतलब गर्म, तो ऐसे ही मानसूनी जलवायु है। एशिया के इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, है ना। अब दिया है एशिया में जो है जलवायु, इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, ये भी यार नोट कर लेना नोट्स में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है ना। नोट कैसे करोगे, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके उसको कॉपी पे अपने लिख लो, फिर वीडियो प्ले करो। ठीक है, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं ना। सामान्य रूप से लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। आइए हम इस महत्वपूर्ण तत्व तथा तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की जो है भिन्नता है ना, ये हमको देखना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब राजस्थान के कुछ स्थान जैसे कि जैसलमेर में
तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 सेल्सियस तक ही रहता है। जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ हाईएस्ट 20 सेल्सियस तक ही रहता है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 50 तक पहुंच रहा है, यहाँ 20 ही रहता है। और सर्दी की रात में, देखिए सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान -45 सेल्सियस, मतलब माइनस में 45 सेल्सियस, मतलब आम आदमी वहां नहीं रह सकता। जबकि थिरुवनंतपुरम में जो है 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यही है कि मतलब भिन्नताएं हैं, अलग अलग भिन्नताएं हैं जो कि अलग अलग है ना। अब दिया है एक फैक्ट फिर हमको दिया है, कुछ क्षेत्रों में दिन एवं रात का तापमान बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 45 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार द्वीप में जो है दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो ये भी एक फैक्ट है। अब कैसे रहता है कि देखिए, जब वहाँ पे वो है बालुआ है, मतलब बालू वगैरह ज़्यादा है ना। तो जब बालू मतलब ज़्यादा है, तो अभी तुम देख लो बालू को ही, मतलब अगर तुम बालू को किसी पे, अगर तुमको प्रैक्टिस करना है तो एक बालू को लो, एक कढ़ाई लो और आग पे जो है कढ़ाई को रखो, बालू को थोड़ी देर, बालू तुरंत एकदम गर्म हो जाएगी, पर अगर आग से उतारोगे तो थोड़ी देर में बालू एकदम ठंडी हो जाएगी, पहले के रूप में आ जाएगी। तो सेम चीज वहां पे मरुस्थल है, तो वहां पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो खूब गर्म हो जाती है, खूब गर्म हो जाती है। पर जब क्या होता है कि जब तापमान गिरता है तो वो ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार जो है तापमान गिरता उतरता रहता है, तो इससे वो बदलती है। ये नोट कर लीजिएगा आप, ये क्या आप जानते हैं वाला फैक्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है, अब वर्षण की ओर ध्यान दें हम लोग। वर्षण क्या है चलिए देखते हैं। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। वर्षण जो है इसकी मतलब वर्षण का रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, मतलब जो वर्षण होता है हिमालय पर वह मतलब अधिकतर बर्फ के रूप में होता है, ठीक है। तथा देश के यहाँ पे दिया हुआ है, देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। जबकि वर्षण में भिन्नता जो है मेघालय में 400 सेमी से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेमी तक होता है। जो वर्षण है मेघालय में 400 सेमी से लेकर, वार्षिक वर्षण जो है भिन्नता 400 सेमी से लेकर लद्दाख और पश्चिम 10 सेमी तक होता है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लद्दाख ही है शायद ना, तो सेमी से मतलब वो कम होता है, ठीक है। देश के अधिकतर भागों में जम्मू जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो ये जो है अलग अलग, मतलब कि जैसे कि हर जगह लगभग जून से सितंबर तक हर जगह वर्षा होती है, पर जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु के तट पे जो है वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है, मानसून लौटते समय होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है, मतलब कि सामान्य रूप से जो है तटीय क्षेत्रों में तापमान जो है तापमान का अंतर बहुत कम होता है ना। देश के आंतरिक भागों में मौसम या वस्तुनिष्ठ अधिक होता है, मतलब देश का जो आंतरिक वो है आंतरिक भाग उसमें ऋतुनिष्ठ अंतर, मतलब अंतर अधिक होता है। आंतरिक भागों में जो मौसम का ऋतुनिष्ठ होता है वह बहुत कम होता है, अंतर बहुत मतलब अंतर जो है वो बहुत अधिक होता है इसमें, ठीक है। उत्तरी मौसम में वर्षा की मात्रा सामान्यतया पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, मतलब कि उत्तरी मैदान में जो वर्षा है वह सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो कि उनके भोजन वस्त्र घरों में दिखाई देती है, मतलब कि जो ये भिन्नताएं होती हैं वर्षा मतलब घटती, जब विविधताएं लाती हैं मौसम बदलता है,
तो भोजन वस्त्र, अभी देखो ठंडी के टाइम में तुमको गर्म खाना पसंद होता है, पर गर्मी के टाइम में गर्म खाना नहीं पसंद होता, नहीं मजा आता गर्म गर्म खाना खाने में। और कपड़े भी हम लोग जो है चेंज करते हैं, गर्मी के टाइम में हल्के कपड़े पतले कपड़े पहनते हैं, जबकि ठंडी के टाइम में मोटे मोटे जैकेट पहन लेते हैं। तो वही है ना, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग कमेंट में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। राजस्थान के घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्र जैसे गोवा तथा मैंगलोर की ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने हैं? इसके आंसर आपको पता हो तो बताइएगा। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइएगा। कल हम लोग जो है जलवायु नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु नियंत्रण के बारे में जो है हम लोग कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आया करें वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाय बाय दोस्तों।